यूक्रेन के मामले में तनाव कम होने के चलते मंगलवार को अमेरिकी और यूरोप के बाजारों में उछाल, एशिया के बाजारों में नरमाई जारी। क्रिप्टो के भाव में उछाल, बिटकॉइन $44,000 और एथीरियम $3,200 के नीचे। सोना चांदी के भाव में नरमाई, दोनों के भाव में हल्की गिरावट। डॉलर के भाव में मजबूती कायम, डॉलर बंद हुआ 75.33 रुपयों में। तेल के भाव में मजबूती जारी, ब्रेंट 93.50 डॉलर के नीचे। भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स 1736 अंकों से गिरकर बंद हुआ 58,142 अंकों पर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सुप्रभात, स्वागत है आपका मेट्रो मनी में, आपके सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल मेट्रो मुंबई पे। हम रोज सुबह 10:30 बजे हाजिर होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजारों की खबरें लेकर। आज हम खबरें और विश्लेषण के बाद रोज की तरह एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे। आज कमलेश सर जुड़ेंगे हमारे साथ और चर्चा करेंगे, तो जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। राजकुमार जी आ गए हैं तो प्लीज उन्हें जोड़ा जाए। नमस्ते राजकुमार जी, गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसी है मैडम? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे हैं? ठीक है मैडम, ठीक। सो मार्केट भी अच्छे हैं, सारे मार्केट अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं सबसे पहले आंकड़ों से शुरू करती हूँ और फिर हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। कल S&P 500 क्लोज हुआ 4,471.07 पर, ये 69.40 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ 1.58%। डाउ जोन्स क्लोज हुआ 34,988.84 पॉइंट से, 422.67 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ 1.22%। नैस्डैक क्लोज हुआ 14,139.76 पर, 348.84 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ 2.53%। आगे यूरोप देखते हैं। फुटसी 100 क्लोज हुआ 7,608.92 पर, ये 77.33 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ 1.03%। डैक्स क्लोज हुआ 15,412.71 पर, 298.74 पॉइंट से ऊपर रहा 1.98%। आगे एशिया मार्केट देखते हैं। निकी क्लोज हुआ 26,865.19 पर, 214.40 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ 0.79%। एनसेंग क्लोज हुआ 24,355.71 पर, 200.86 पॉइंट से नीचे रहा 0.82%। शंघाई क्लोज हुआ 3,446.09 पर, 17.21 पॉइंट से ऊपर रहा 0.50%। ये मार्केट का विश्लेषण करते हैं। अमेरिकन मार्केट जो है वो काफी ऊपर क्लोज हुआ कल। कल खबर आई कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ा सा ईस ऑफ हो रहा है, कुछ ट्रूप्स को वापस रिकॉल किए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो इसके कारण देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर है और नैसडैक जो है वो 2% ऊपर गया इस खबर के कारण। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग स्टॉक्स भी ऊपर रहे। वहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आया है जो काफी हाई है पिछले महीने के मुकाबले, तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर रहा, काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा। राजकुमार जी, मार्केट अमेरिका में ऊपर रहा, अब चाहे वॉर हो या नहीं, लेकिन मार्केट काफी वॉलेटाइल है। अब देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट नीचे था, अब मार्केट ऊपर है बिकॉज थोड़े से टेंशन ईस ऑफ हो रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि ट्रूप्स को रिकॉल किया है, लेकिन अभी ये सिचुएशन टेम्पररी है या आगे भी इसी पे कायम रहेंगे ये हमें देखना है, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आगे यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे रहे हैं। कल
जो ये न्यूज आई है यूक्रेन की, उसके बाद मार्केट पे काफी असर हुआ है, अच्छा असर हुआ है। और अगर देखेंगे तो यूके में कॉर्पोरेट अपडेट्स भी कल अच्छे आए, जिसके कारण मार्केट ऊपर है, 1% ऊपर है। यूरोप भी काफी नीचे चल रहा था कई दिनों से, लेकिन कल यूरोप भी ऊपर रहा और पॉजिटिव है, मार्केट में फिर से एक उछाल है। एशिया देखें तो एशिया भी थोड़ा सा एशिया नीचे रहा कल, लेकिन आज एशिया ऊपर है और यही न्यूज के कारण ऊपर है। इनफैक्ट जापान में आज इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं और काफी थोड़े से हाई हैं लास्ट मंथ के मुकाबले। 2.43% इन्फ्लेशन आया है उनका, कंपेयर करें बड़ी इकोनॉमी से तो फिर भी काफी कम है, ज्यादा नहीं है। 2% तो एक्सेप्टेबल लेवल है जापान में। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में, आपकी कोई टिप्पणी? जी मैडम, जैसा कि हम लोग की जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, उस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार क्रूड हम लोग को ये लग रहा था कि वो रियली डेविल्स का काम करेगा, और यूक्रेन वगैरह का जो क्या पता, हम लोग को एक लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक पोस्चरिंग है, और आज भी मैं मान रहा हूँ कि शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ग्लोबल ग्लोबल लेवल में अगर रियल प्रॉब्लम कोई है तो वो क्रूड होगा, जो लॉन्ग टर्म होगा। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने और पहले भी मेंटेन किया है, ऐसा नहीं कि आज अपने कह रहे हैं, डेवन से मेंटेन कर रहे थे कि ये यूक्रेन वगैरह का शायद हो जावे, काफी कॉन्फिडेंस था। देर वॉज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट, कुछ एब्सोल्यूटली तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस था कि ये हो जाएगा। और प्लस में टेपर ऑफ में भी, जैसा हम लोगों ने बात किया था कि अगर फेड करती है तो बहुत ही रैशनल और ग्रेडेड मैनर में करेगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरह से टीजी में चला जाए या अप्स एंड डाउन में चला जाए। तो फेड विल नेवर लाइक टू डू एनीथिंग विच विल प्रोबेबली सेंड द इंटायर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इनटू टीजी। दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। अदर बाकी रियल चीज जो है वो है कि क्रूड को कहाँ पे कैसे होता है, दैट इज हाईली हाईली एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि आप भी जानते हैं कितने फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, कितने ह्यूमंगस नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वो डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, अदरवाइज इंडिया के लिए और कोई इतना बड़ा मेजर नहीं है क्रूड को छोड़ करके मैडम, खास करके इंडिया के लिए। बाकी चीजें आएंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, टेपर ऑफ भी होगा तो उसका फ्लाइट कैपिटल बाहर जाएंगे आएंगे, थोड़ा सा रूपी पे असर पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन इवेंचुअली मार्केट उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जहां तक क्रूड की बात है, वो बड़ा स्पॉइलर बन सकता है, अगर क्रूड ऊंचे लेवल पे चला गया जैसा कि ऑलरेडी जा चुका है और वहां पे सस्टेन कर गया तो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्रूड पे भी आते हैं जब कमोडिटीज पे आएंगे, पहले क्रिप्टो देख लेते हैं एक बार। क्रिप्टो कल इस तरह, क्रिप्टो के फिगर्स इस तरह है, बिटकॉइन 43,958.53 है, 380.02 पॉइंट से ऊपर है, 0.87%। इथेरियम 3,143.55 है, 114.17 पॉइंट से ऊपर, 3.77%। क्रिप्टो को लेकर एक खबर राजकुमार जी अभी इस वक्त ये है कि क्रिप्टो, जैसे हम जानते हैं कि हमारे बजट में क्रिप्टो को लेकर जो डिजिटल एसेट्स को लेकर जो कहा था डिजिटल की 30% टैक्सेशन लगेगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने कहा है कि क्रिप्टो बैन करना भी एक ऑप्शन है इंडिया के पास। तो राजकुमार जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया, लेकिन ऐसे भी आप देखेंगे तो आरबीआई के गवर्नर हमेशा ये क्रिप्टो के अगेंस्ट थे, और पहले भी उनका स्टेटमेंट आता रहा है कि वो डेड अगेंस्ट है पूरे फाइनेंस। टैक्स वगैरह तो बहुत छोटी बात है, लेकिन उन्होंने तो एक बार इतना बड़ा स्टेटमेंट भी दिया, एक बार नहीं कई बार, कि पूरे फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो जब वो ये लाइन बोल रहे हैं तो वो ओपनली सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। वो ओपनली इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड थोड़ा डिफरेंट था और आरबीआई का स्टैंड थोड़ा डिफरेंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि इसको रेगुलेट करें, और आरबीआई इंटरनली हमेशा चाहती थी कि इसको बैन करें, और उसका नेचुरल है ना मैडम कि डायरेक्ट कंफ्लिक्ट है। आप समझो ना कि कहीं ना कहीं अगर डिजिटल करेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिजिटल करेंसी आता है, और आप इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट टूल के बाद अगर करेंसी का स्टेटस देते हो, जो पॉसिबल भी नहीं लगता, तो दे आर इन डायरेक्ट कंफ्लिक्ट। तो नेचुरल है कि कोई भी सेंट्रल बैंक क्यों चाहेगा इसको, कोई भी, आरबीआई वर्ल्ड का कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगा,
कि क्रिप्टो को ज्यादा तवज्जो दिया जाए। गवर्नमेंट के पास जी अलग, क्योंकि क्या होता है ना मैडम, दोनों के अलग अलग होते हैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। आज इतने उनका टैक्स कलेक्शन भी आ रहा है, दूसरा पूरी दुनिया में आज क्रिप्टो चल रही है तो वो एक प्रेशर रहता है, तीसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर आप एसेट मानती हैं या आगे फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म मानती हैं तो गवर्नमेंट वो भी चाहती है कि उसको हम इनकरेज करें, तीसरा आपके पास दिखाया जाता है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स आज क्रिप्टो में आ गए, तो गवर्नमेंट के पास कई सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सो मेनी कंसिडरेशंस आर देयर, तो उनका एक अलग व्यू हो जाता है। लेकिन आरबीआई का व्यू सीधा है कि भाई अगर करेंसी है तो सॉवरेन करेंसी होनी चाहिए, दूसरी कोई करेंसी का जगह नहीं है, और एज एन इन्वेस्टमेंट इस टूल का न कोई इंट्रिंजिक वैल्यू है न कोई अंडरलाइंग वैल्यू है, तो फिर इसको बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसका एज एन एसेट कोई वैल्यू है नहीं, और एज ए करेंसी आप इसको जी प्रमोट कर नहीं सकते, नहीं तो पूरी की पूरी कंट्री को, क्योंकि इसकी सॉवरेन सॉवरेन गारंटी कुछ नहीं है सॉवरेन, तो ये इन सारी चीजों जी का कंफ्लिक्ट चलता रहता है मैडम। तो इसके लिए आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट तो रहेगा रहेगा इन चीजों पे। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, और देखेंगे कि आगे क्या न्यूज आती है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा काफी टाइम से ये चल भी रहा है कि इसको क्या करना चाहिए क्रिप्टो के साथ, तो लेट्स वेट एंड वॉच, और हम अपडेट करते रहेंगे अपने दर्शकों को। आगे कमोडिटीज देखते हैं। ब्रेंट ऑयल 93.22 है, 2.87 पॉइंट से नीचे रहा, 2.99%। गोल्ड 4,481.02, 76.37 पॉइंट से नीचे रहा, 1.68%। सिल्वर 56,415.91 है, 1,766.27 पॉइंट से नीचे रहा, 3.04%। ब्रेंट ऑयल काफी नीचे रहा, ऑलमोस्ट 3% नीचे है, और ये जो न्यूज आई है रशिया और यूक्रेन की, इसके कारण देख सकते हैं कि ऑयल भी थोड़ा सा नीचे है, कल नीचे रहा 3%। गोल्ड और सिल्वर जो है वो भी थोड़े नरम हो गए इसी न्यूज के कारण, और कल अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी आया था जो काफी हाई है, तो उसका भी असर हुआ है मेटल्स पे, तो आप देख सकते हैं कि मेटल्स भी नीचे है, काफी नीचे है। ऑयल जो नीचे है ये हमारे लिए अच्छी खबर है, और एक्सपेक्ट आशा करते हैं कि ऑयल इसी रेंज में रहे, ज्यादा बढ़े नहीं। राजकुमार जी, ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए, ऑलमोस्ट 3% डाउन है। आज यूएस से स्टॉकपाइल डेटा भी आना है जो यूजुअली वेनसडे या थर्सडे को आता है, तो ऑयल प्राइसेस में और भी चेंज शायद हो सकता है। आगे करेंसीज देखते हैं। डॉलर टू रूपी 75.33, 0.28 से नीचे रहा, 0.37%। यूरो 85.40, 0.10 से नीचे रहा, 0.12%। आप देख सकते हैं कि करेंसीज भी नीचे रहे हैं इसी इसी न्यूज के कारण, तो डॉलर काफी नीचे है, आज सुबह भी नीचे रहा है डॉलर। आगे पेट्रोल और डीजल देखते हैं। पेट्रोल 109.98 है और डीजल 94.14, ये मुंबई के रेट्स हैं और ये स्टेडी है। सेंसेक्स और निफ्टी कल ऊपर क्लोज हुए, सेंसेक्स 58,142.05 पे क्लोज हुआ, 1,736.21 पॉइंट से ऊपर रहा, 3.08%। निफ्टी क्लोज हुआ 17,352.5 पर, 509.70 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ, 3.03%। राजकुमार जी, कल मार्केट ऊपर क्लोज हुए, परसों के दिन 1700 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, कल 1700 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, आज मार्केट आज थोड़ा सा रेड में है लेकिन हल्का सा फ्लैट लग रहा है आज, जी तो जी क्या जी। कहना चाहेंगे हेलो इंडिया के बारे में? जी नहीं, जी इसमें, जी इसमें आप ये ब्यूटी नॉर्मली इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिलता नहीं मैडम, क्योंकि परसों मार्केट जैसा आपने बोला ना कि 1750 पॉइंट नीचे था और कल 1750 पॉइंट ऊपर था, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तो लगता था कि प्योरली डेडिकेटेड टू यूक्रेन क्राइसिस है, और फिर रिकवरी भी डेडिकेटेड टू यूक्रेन क्राइसिस है, एकदम आइडेंटिकल, जितना नीचे गया था उतना ही आया, तो नेचुरली है मैडम कि इसमें कहीं पे भी डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ये डिस्प्ले में नहीं है, तो मार्केट पूरी तरह से गाइडेड हो रहा था इंटरनल, और उसमें भी यूक्रेन क्राइसिस, तो अभी यूक्रेन लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा ऐसा लग रहा है लोगों को पोस्टरिंग, तो नेचुरल है कि मार्केट उतना रिकवर कर दिया, और मार्केट अभी अपने लेग पे चलना, लाइक मार्केट विल स्टार्ट
एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ओन फंडामेंटल्स। तो अभी ऐसा लग रहा है, तो फिर अब ये रेंज बाउंड रहेगा और फिर देखते हैं। और अगर क्रूड नीचे आता है मैडम, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में दिखने को मिलेगा, डायरेक्टली दिखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर क्रूड आता है तो उसके कितने कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं। क्रूड आया तो रुपये का डेप्रिसिएशन घटेगा, फिर उसका फिर वो सारे अकाउंट्स पे फिजिकल डेफिसिट पे असर पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट अगर अच्छा रहा तो कैपेक्स बेटर होगा भारत सरकार का, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट है। और अगर कैपेक्स बेटर रहा तो इम्प्लॉयमेंट बेटर होगा, आप समझ रहे हैं ना, इम्प्लॉयमेंट बेटर तो ये सारी ग्रोथ पे असर पड़ेगा, तो पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है। क्रूड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी खबर इसमें ये कह सकते हैं कि 2022 के लिए भी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हम लोग रोबोस्ट मान के चल रहे हैं, तो जो इंपोर्ट बिल हम लोग का मैक्सिमम हो जाता है ऑयल के कारण, तो उसको ऑफसेट करता था ये सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट, तो वो अच्छा रहा अगर, और ये ऑयल थोड़ा नीचे आया तो इंडिया के लिए फिर काफी अच्छा हो जाएगा मैडम। जी 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 जी, और सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि वॉर ना हो और ये बातचीत से ही डिप्लोमेटिकली इशू सॉर्ट आउट हो जाए, तो आशा करते हैं सब सही हो। वील वेट एंड वॉच, और दर्शकों को इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। राजकुमार जी, आज कमलेश सर जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्ते कमलेश सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्रिया जी, राजकुमार जी, नमस्ते। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो IDBI की क्रेडिट पॉलिसी आई है, उसके बारे में आप कुछ दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। या थैंक यू प्रिया जी, और अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। प्रिया जी, RBI की जो क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर हुई, तो मैं ये मानता हूँ कि बजट में जो वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की थी या बजट के जो प्रोग्राम्स डिक्लेयर्ड हुए हैं, उसके अनुरूप ही ये क्रेडिट पॉलिसी आई हुई है। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वेरियस इम्पोर्टेंट रेट्स होते हैं, वो रेट्स RBI ने कुछ बदले नहीं है। जैसे कि रेपो 4% है, रिवर्स रेपो 3.35% है, CRR 4% है, इंटरबैंक के लिए 4% है। तो प्राइमरीली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि RBI ने ये जो रेट बदलाव नहीं किया ये क्वार्टर के लिए, तो अपनी जो पॉलिसी बजट की पॉलिसी है उसके साथ वो मिलके काम कर रहे हैं। दूसरा, दो डेटा मैंने देखा कि 2022 में इन्फ्लेशन अभी 5.3% बताया गया है, विच दे आर टारगेटिंग टू ब्रिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एट 4.5%। इसका एक मीनिंग मैं ये कर रहा हूं कि अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है अभी चल रही है, वो थोड़ी सख करनी पड़ेगी, और वो सख करने के एक मीटर जो होते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो भले ही ये क्वार्टर में RBI ने इंटरेस्ट रेट सेम रखे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में शायद 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला एक साल जो होगा ना, वो ऐसा एक पीरियड रहेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल व्यू भी वही दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ना है, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में अभी इन्फ्लेशन आ रहा है। आपने भी ये डेटा देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार 40 साल का पहली बार जो उन्होंने इन्फ्लेशन रेट और महंगाई देखी है, तो इस प्राइसेस आर ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट इट वाज। तो ये परिस्थितियां है, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले क्वार्टरों में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। और दूसरा, उन्होंने जो GDP प्रोजेक्ट किया है 7.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, तो उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ ये संभव तब होगा कि जब हमारा साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो करे, क्योंकि IIP का रेट अब देखते हो तभी इस लास्ट क्वार्टर के कम आए हुए है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर्स भी पॉजिटिव आने चाहिए, उसमें ग्रोथ दिखना चाहिए, एक्सपोर्ट्स के फिगर में ग्रोथ दिखना चाहिए। अगर वो चीजें होती है ना, तो मैं लगता हूँ कि ऐसा सोच रहा हूँ कि GDP जो अपन टारगेट कर रहे हैं वो आ सकता है, ऐसा ये क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर मेरा मानना है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे, इससे पहले हम दूसरे टॉपिक पे बात करें, कुछ आप कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे?
जी ने सही सही बताया कि हम लोग कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट, जो कमलेश सर ने बताया कि इंटरेस्ट रेट में हम लोग कहीं ना कहीं कर्व पे पीछे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। तो बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आरबीआई इंटरेस्ट रेट 0.25 ये बढ़ाएगी अभी, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन ये इनएविटेबल हमको लग रहा है। आगे तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा और लिक्विडिटी को सक करना पड़ेगा, और साथ साथ लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग आपका किस ढंग से ग्रो कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ में वर्थ वाइल गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, वर्थ वाइल गुड्स, और तब इंटरेस्ट को उसके साथ अगर कॉम्पेटेबिलिटी क्रिएट करती है आरबीआई, तो फिर उसका मीनिंग होगा। अदरवाइज अगर लिक्विडिटी सिर्फ आप सक करते हैं और इस साइड मैन्युफैक्चरिंग अगर रिवाइव नहीं किया अच्छे से, तो उसके अलग रिपरकशंस आ जाएंगे। तो नेचुरल है आरबीआई उसको बैलेंस कर रही होगी, तो उसमें कहीं दो राय नहीं। इन ऑल लाइकलीहुड हम लोग को मानना है कि आरबीआई को अभी इंटरेस्ट रेट हाइक करना ही पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। अब रही बात की 0.25 कैसे करती क्या करती, वो तो कमलेश जी ने बताया। दूसरी बात जो 7.8% या जीडीपी का जो एस्टिमेटेड है, उसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो डाउनवर्ड रिवाइज हो जाएगा मैडम 2022-23 के लिए, बहुत ज्यादा नहीं जी। लेकिन हम लोग का मानना है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 7-7.2%, वो डाउनवर्ड रिवाइज होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, वो उसके अलग डिटेल्स है ऐसा जी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कमलेश जी, अभी जो न्यूज में हम सब जानते हैं कि बजट रिलीज हुआ है 1 तारीख को, तो बजट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा हुई है रिसेंटली, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी प्रिया जी, देखिए हमने जब ये बजट के ऊपर ये अपने प्रोग्राम में डिबेट किया था, तब मैंने कहा था ना कि एक चीज मुझे इस बजट में थोड़ी इम्प्रेसिव ये लगी है कि वैसे तो बजट सरकार के एक साल का इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, और तरह से उसके बाद उसमें फिस्कल डेफिसिट है या सरप्लस आता है या सरकार को नए कुछ रेवेन्यू ढूंढने होते हैं, तो नई कुछ पॉलिसी आती है। पर इस बजट का इम्प्रेसिव चीज मुझे ये लगा कि इसमें आने वाले 25 साल का गवर्नमेंट ने रोड मैप जैसा बनाया, कह सकते हैं हम, उसके ब्लूप्रिंट तैयार की है। यानी बजट एक ये एक्सरसाइज सिर्फ ये एक साल के लिए नहीं, इस साल की तो जो खर्चे और आमदनी है वो तो होगी ही, लेकिन आने वाले 25 साल में भारत सरकार को किस प्रकार से अपना निवेश बढ़ाना है, किस तरह से अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने हैं, किस तरह से वो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर सकते हैं, इसका एक जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया ना, वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है। और जो अभी आपने बात ये कही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इसके लिए गोल सेट किए हुए हैं, और मैं आपको कहूँ ना तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो बजट है उस बेसिकली डिजाइन ऑन अ 4 पिलर्स है। इफ आई कैन शेयर दैट 4 पिलर्स आई हैव नोटेड आउट दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो वन इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, नंबर वन। नंबर टू जो है वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है। नंबर थ्री जो है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्सपर्ट रहो आप ये, एंड नंबर फोर प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। दीज आर द 4 पिलर, उसके आसपास हम ये कहें इर्द गिर्द पूरा ये बजट डिजाइन हुआ है। अब देखिए इस बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की, तो एक आपने देखा होगा कि ये PIL जो है, ओके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, वी कॉल इट PLI प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव्स। अब ये घोषित होने के बाद भी अगर आपने देखा होगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर बड़े अनाउंसमेंट आए हुए हैं और बड़ी कंपनियां 2,500 करोड़, 3,000 करोड़ तक के उसके एक्सपेंडिचर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके बढ़ने वाले हैं। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ में उनके सबसे ज्यादा फोकस जो मैं सोच रहा हूँ ना, तो उनमें से एक जो है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के ऊपर उनका फोकस रहा हुआ है, क्योंकि आज पूरे विश्व के लिए, हमारे देश भारत के लिए ही नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन है ना, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज आ चुकी है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स पूरी दुनिया में होते रहे। जैसे हम देख रहे हैं कि गल्फ जैसे देशों में स्नोफॉल हो रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज वहाँ कभी कभी 35, 40, 42 डिग्री से इतने टेम्परेचर हो जाते हैं गर्मी के।
तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ना, मैंने कुछ थोड़े बजट के आंकड़े निकाले हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि सरकार ने किस तरह से उसमें प्रोविजन किया हुआ है। तो 3030 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर यानी मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि देखिए ये एक सीधा साधा एक जिसको कहते हैं ना कि बात है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर क्लाइमेट चेंज और उसके ऊपर एक्शन, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे फॉरेस्ट जिसे हम जंगल कहते हैं वो बहुत कम हो रहे हैं एंड जंगल होने की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो दुनिया के अनेक देशों में ये स्थिति आई है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एनवायरमेंट के ऊपर सरकार अभी जो खर्च कर रही है ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट अ लेस बट सिंस इट इज अ बिगिनिंग, तो ये एक शुरुआत सरकार ने की है एनवायरमेंट के इश्यू को एड्रेस करने के लिए। और दूसरा मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि अगर आपने कितना भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया होगा, मान लीजिए आपने अच्छे रोड दे दिए, हाईवेज दे दिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स दे दी और आपने अल्ट्रा मॉडर्न सिटीज वगैरह भी बना दिए जैसे गवर्नमेंट के प्लान थे ना स्मार्ट सिटीज के, लेकिन अगर वो स्मार्ट सिटी के अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट और क्लाइमेट अगर ठीक नहीं होगा, एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे। तो एक एक ऐसा मेरे पास कभी कभी व्हेन आई वाज वर्किंग इन द ट्री अथॉरिटी इन बीएमसी में तो हम कभी कभी ये इश्यू को लेते थे कि ऐसा एक लोग पिक्चर डिजाइन करते थे आने वाले 10 साल 15 साल कि सब कुछ आपके पास हो लेकिन साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कैरी करना पड़ेगा ब्रीदिंग करने के लिए बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ऑक्सीजन इन योर एयर। तो गवर्नमेंट का फोकस इस चीज के ऊपर गया वो एक अच्छी बात है। दूसरा उनका फोकस जो है वो वाटर के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे ना कि नो डाउट सरकार अपनी तरह से हर साल कुछ ना कुछ कर रही है लेकिन फिर भी आज भी यह स्थिति है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर अपने देश के कई इलाकों में आज भी वो नहीं पहुंच रहा है, पानी घर में नहीं पहुंच रहा है। यानी सरकार ने नल से जल की योजना का नाम दिया है लेकिन बेसिकली ये है कि पीने का पानी लोगों को मिले घर तक जाए और उसके ऊपर उन्होंने कुछ 60,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया हुआ है ये बजट के अंदर। और मेरे पास एक डेटा और है दैट आल्सो आई वुड लाइक टू शेयर, वाटर के साथ सैनिटेशन के लिए भी एडिशनल 7,000 करोड़ रुपीस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो दैट मीन्स 67,000 करोड़ रुपीस इस बजट में है गवर्नमेंट ने वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी स्पेंड किया हुआ है। अब हमने जो बात की पीएलआई की, तो पीएलआई को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने 19,500 करोड़ रुपीस का बजट में प्रोविजन किया हुआ है और ऐसा एक टारगेट सेट किया है कि बाई 2030 द डोमेस्टिक productions of the solar capacity should be 280 GW or I would say ki it would be one of the best example for the sustainable growth jo government baat kar rahi hai. To mujhe aisa lag raha hai ki sarkar is tarah se jo ek kuch budget mein provision kiya na, ek example aur deta hu control on pollutions ke liye bhi sarkar ne 460 rupees provide kiye hai. तो ये अपना जो बात हुआ ना वो बजट के एलोकेशंस के ऊपर मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप तक क्लियर अगर फोकस देखना होगा सरकार का तो सरकार के दो पैरामीटर्स के ऊपर फोकस है। एक तो है उनका क्लीन एनर्जी के ऊपर और दूसरा है ये क्लाइमेट के ऊपर। अब जहां तक एनर्जी की बात है तो उसमें एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार बिल आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बहुत करेगी और दूसरा मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो एक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, हालांकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको ऑन द रोड वर्क करने के लिए शायद 3 से 4 साल और लग सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने के वास्ते जो अपने फॉसिल जो जिसको हम कहते हैं ना फॉसिल प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं अभी उसकी अगर हमारी डिमांड हम सब्सटेंशियली कम कर देते हैं ना तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसकी इम्पैक्ट फिनेंशियल तो है बिकॉज योर इम्पोर्ट बिल विल कम डाउन ड्रेस्टिकली, लेकिन साथ साथ इट विल गिव अ ट्रिमेंडस बेनिफिट टू द एनवायरमेंट ऑल्सो। तो सरकार की इस तरह की जो ये योजना बनी है ये बजट में जो दिखी है ना,
मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये एक वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पाथ ब्रेकिंग ये मैं प्रोविजंस कहूंगा, क्योंकि सरकारों को अब ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम लोग अब जो बात करते हैं ना कि ये एक साल का, पहले के जमाने में राजकुमार जी को पता होगा कि पंचवर्षीय योजना होती थी, तो सरकार ने 5 साल के लिए प्लानिंग कमीशन सारी योजनाएं बना देती थी। लेकिन अब ये सरकार का जो एक मैंने रोड मैप देखा कि नाउ दे आर थिंकिंग नॉट ओनली फॉर दिस ईयर 5 ईयर्स, बट आई वुड से दे आर थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ बाई एंड लार्ज कि सरकार ने इस तरह से जो ये एक शुरुआत की है ना बजट में, इसे मैं एक बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ। प्रिया जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड राजकुमार जी, देन वी कैन कंटिन्यू। नहीं, मैं भी यही कहूंगी कि एक विजनरी बजट है, काफी लॉन्ग टर्म सोच के इन्होंने प्लानिंग की है, होपफुली इसी पाथ पर चलेंगे। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? जी नहीं, सही बताया, चीजें तो गवर्नमेंट ने की है, कई सारी चीजें हैं तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है मैडम, कि जैसे कि कमलेश सर ने बताया वो सही चीज है कि पंचवर्षीय, इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल आ ही जाएगा, क्योंकि जैसे पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान था उसमें एक कॉम्पेटेबिलिटी ये थी कि नॉर्मली आप 5 साल का प्रोग्राम बनाते हैं और गवर्नमेंट भी 5 साल की आती है, तो कॉम्पेटेबिलिटी थी कि आपने गवर्नमेंट बनाया और फिर वो उसको करे। लेकिन 25 साल में, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे पता नहीं कितनी तरह की गवर्नमेंटें आएंगी और कितने तरह के प्रायोरिटीज उसके बदलेंगे, आपने एक प्रायोरिटी बनाया, दूसरे ने दूसरे प्रायोरिटी बनाया और ये सब देखा गया है। और खास करके अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिक्स में कई चीजें ऐसी की गई है जो रिवर्स कर दी गई स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो ऐसा नहीं, इंटेंट गलत नहीं है, 25 साल का तो रोड मैप होना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना इम्प्लीमेंटेबल होगा ये जानते हुए कल कांग्रेस और जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है राजकुमार जी, की आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज चेक कीजिए। जी, राजकुमार जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अभी आवाज आ रही है मैडम? जी, अभी आवाज आ रही है। जी, राजकुमार जी, आप रिपीट करेंगे, बीच में 2 मिनट सुन नहीं पाया था। जी, अभी मैं रिपीट करता हूँ, मैं वही कह रहा था सर कि कहीं दो राय नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी ही चाहिए और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें जो है, जिसमें तो कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल ऐसे प्लानिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई ये 1-2 साल की चीजें होती नहीं उसमें। मैं वही बोला था कि पॉलिटिकल एंगल कई आ जाते, आज आपका गवर्नमेंट है, कल दूसरे गवर्नमेंट आए उसके प्रायोरिटी चेंज कर जाएंगे कई जगहों में। और तो अनफॉर्चुनेटली क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि हमारे जो अगल बगल के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 5-10 कई कंट्रीज में देखा गया है, ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है मैडम, और वहां पे उन लोगों को प्रायोरिटी दिया गया, दूसरे दूसरे पार्टी के आ गए तो फिर उन्होंने दूसरे को प्रायोरिटी दिया, तो इन सब चीजों में काफी डायल्यूट होता है। तो कहने का मतलब कि अगर आप जीपिंग है चाइना है तो ठीक है, 20 साल का परफेक्ट लगेगा, 15 साल का जीपिंग को लाइफ टाइम रहना है, लेकिन अगर हम ही को पता नहीं कि मैं कितना दिन रहूंगा तो फिर मेरी प्लानिंग 25 साल की कितनी सही रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि प्लानिंग हमने बनाया, हमारी सरकार ने, हमारा विजन है, दैट इज द विजन स्टेटमेंट ऑफ द करेंट गवर्नमेंट। अब वो करेंट गवर्नमेंट ही कब तक रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं, तो फिर विजन का कितना रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक डर रहता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या बुराई हो सकती है, और गवर्नमेंट जो ग्रीन एनर्जी लिया ये लिया वो सब तो अनडिस्प्यूटेडली अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी पे इनइक्वालिटी जो है, डिस्पैरिटी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, जो अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है, पर कैपिटा इनकम इतना नीचे चला जा रहा है, जो स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ है, अगर आप उसको नहीं देखेंगे, जो कल का कल चाहिए हमको, वो हम 25 साल नहीं वेट कर सकते, वो हमको कल का कल चाहिए। इट्स लाइक यू नो, आई मीन, अगर हमको आज लाइफ जैकेट चाहिए तो आप लाइफ जैकेट नहीं दे करके आप बोल रहे हैं कि मैं तो अभी प्लेन बनाने के लिए ऑर्डर दिया है तो प्लेन आएगा तो आप उड़ोगे, हमको अभी लाइफ जैकेट चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो जी ये बोल रहा हूँ कि वहां पे प्रायोरिटीज में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को
देखना पड़ेगा आगे साल या आगे वाले में ऐसा। जी 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 बिल्कुल सही कहा, और मैं भी इसीलिए कह रही थी कि होपफुली यही बात फॉलो करेंगे। कमलेश जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी थैंक्स राजकुमार जी फॉर योर फीडबैक। अब राजकुमार जी ने जो पॉइंट रखे है वो बिल्कुल वैलिड है, मैं ना नहीं कह रहा, लेकिन देखिए इसमें एक मेरा एक मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। क्या होता है कि सरकारों की पॉलिटिकल एंगल हमेशा रहने वाला है, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक एक स्टेज इकोनॉमी में ऐसा आता है कि जब फिर इकोनॉमी डोमिनेट करती है, सरकार कोई भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट के टाइम पे सोना अपने को गिरवी रखना पड़ा था, वो हम सब जानते हैं। और 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री बने, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ बैंकर, क्योंकि वो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो उस समय पे उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्री हैंड दिए थे। ये इश्यू मैं इसके लिए डिबेट कर रहा हूँ कि राजकुमार जी ने जो पॉइंट रखा ना कि पॉलिटिकल एक 5 साल की जो टर्म होती है उस हिसाब से योजनाएं बनती है, बात सही है, वो नहीं है, वो था। लेकिन मनमोहन सिंह जी को एक इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कंट्री को राइट ट्रैक पे लाने के लिए जिस प्रकार की लिबर्टी पॉलिटिकल सिस्टम ने दी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैं कहूंगा इवन विपक्ष के लोगों ने भी, तो क्या हुआ कि 1991 में हमने इंडियन इकोनॉमी के डोर्स विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए, इंडियन इकोनॉमी को हमने ओपन अप कर दिया, और वी हैव बिकम इन अ वे वन ऑफ द ग्लोबल प्लेयर फॉर डूइंग द बिजनेसेस एंड ब्रिंगिंग फॉरेन इन्वेस्टर इनटू अवर कंट्री। उस समय की ये समय की मांग थी, और ये सब जो योजना होती है ना, तो वो ऐसा भी नहीं था कि हम 4-5 साल के लिए निकल गए। अब आप ये ब्यूटी देखिए कि उसके बाद सरकार 5 साल में बदल गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया था पहले ही अपने प्रवचन में अटल जी ने कि आर्थिक नीतियां जो सरकार ने बनाई थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे, इतना ही नहीं इसको एग्रेसिवली आगे भी लेके जाएंगे। तो उस क्या होता है कि कुछ अर्थशास्त्र की कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है, और वो एक ऐसा स्टेज होता है ना जिसमें किसी भी सरकार को वहां से पीछे मुड़ना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हम एक पाथ पे निकल गए हैं। अगर हम हाईवे के ऊपर कोई एक रास्ते की ओर निकले हैं और हम 1000 किलोमीटर की जर्नी के लिए 500-600 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं ना, तो मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा सोचेगा नहीं आप 600 किलोमीटर फिर से पीछे जाओ और कोई नया रास्ता ढूंढो। तो इकोनॉमी का इस तरह से ऐसा होता है, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यू आएंगे, 5 साल के बाद सरकार कोई आएगी, उनका उनके प्लानिंग के हिसाब से कुछ अलग चेंजेस करेंगे, लेकिन दे ऑल विल हैव टू गिव अ थ्रस्ट ऑन दी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। वो किसी भी सरकार के लिए अब जरूरी इम्पेरेटिव हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अपने देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, जिस तरह से अपने यहाँ कैटेगरी ए बी सिटी डेवलप हो रहे हैं, तो सिटियों की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बननी चाहिए वो अब तक रेडी नहीं है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सरकारें आएगी जाएगी, छोटे मोटे बदलाव करने का हर एक सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से करेगा, लेकिन ये जो अब ये पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम चले हुए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ज्यादा बदलाव करेगी। अब आपने अगर बजट में देखा होगा, क्योंकि मुझे भी ये डेटा मिला है कहीं से कि ये एनर्जी ट्रांजिशन और ये क्लाइमेट चेंज के ये वर्ड को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में छह बार ये वर्ड का उन्होंने उल्लेख किया है। दिस आर सम ऑफ द पॉइंट विच वी हैव टू लाइक रीड बिटवीन द लाइन, जैसा होता है ये समझना चाहिए कि सरकार इस चीज को कितना महत्व दे रही है, उसका कितना इम्पोर्टेंस हो रहा है। तो ये चीजों के ऊपर मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है काम जिस तेजी से हम सोचते हैं नहीं होगा, गतिशक्ति, मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है, गतिशक्ति का जो योजना प्रधानमंत्री डिक्लेयर की ना, उसके पीछे मुझे तो एक ही चीज दिख रही है कि ही वॉन्ट्स के ऑल कनेक्टेड कंसर्न मिनिस्ट्रीज हु आर इन्वॉल्व विद द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, दे शुड नॉट वर्क इन टू आइसोलेशन, दे शुड शेयर द डेटा विद ईच मिनिस्ट्रीज, दे शुड सीक द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द अदर मिनिस्ट्रीज। एंड इस तरह से क्या होता है कि एक कंजर्वेशन एफर्ट जब बनते हैं ना, तो वन इज यू सेव द टाइम एंड यू सेव द कॉस्ट ऑल्सो। तो इस प्रकार के मैं ऐसा सोच रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर भी मुझे कुछ रिफॉर्म दिख रहे हैं, हो सकता है ये बात की वो रिफॉर्म स्लो हो गया अभी और आगे भी शायद वो उस गति से नीचे जितना नाम दिया, लेकिन इसे मैं एक अच्छी शुरुआत डेफिनेटली कहूंगा,
और आज भी जो हम 8 साल के अंदर कुछ भले हमने कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान पूरी तरह बदल गया, लेकिन ये 8 साल के अंदर छोटे 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 जो बदलाव आए हैं ना वो भी हमारे हमारे लोगों के ध्यान में आया हुआ है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सिस्टम आ गई, लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे आने लगे। GST एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था लेकिन उसको धीरे 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 करके आप स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। GST के कलेक्शन जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो उसकी एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। GST के अंदर छोटे मोटे यूएस सिस्टम में भी जो चेंजेस आने चाहिए, जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि एक तो उसमें अमेंडेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा नहीं थी, और दूसरा एक इश्यू ये था कि कभी कभी जो हम पढ़ते हैं कि कोई कंपनियों ने सिस्टम के अंदर कुछ बोगस कंपनियां बना के कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स करके क्रेडिट इनपुट लेने की कोशिश की थी। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों के ऊपर भी है ना गवर्नमेंट सिस्टम एनहांसमेंट पे देख रही है। और मैं ऐसा मैंने ये सुना हुआ है, ऑथेंटिकेट तो नहीं है राजकुमार जी, लेकिन सरकार ये सारे लूपहोल्स को प्लग करने के लिए शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी यूज करने वाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज कैपेबल टू प्लग ऑल दोस लूपहोल्स व्हिच आर करंटली देयर इन द सिस्टम। तो आने वाले दिनों के लिए प्रिया जी मैं ऐसा कह सकता हूँ गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है। और देखिए आप क्लाइमेट के ऊपर तो पूरा विश्व अब हर देश अपने अपने तरीके से उसके ऊपर काम कर रही है। बजटरी एलोकेशन तो एक बात होती है, लेकिन उन लोग अपनी तरफ से किस तरह से एनवायरनमेंट को बनाए रखे, पॉल्यूशन लेवल कैसे कम कर सके, उस चीजों पे दुनिया के अनेक देशों अभी भी काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में भी मैं ये कहूंगा टॉप प्रायोरिटी पे ये एजेंडा है। सरकार इस दिशा में चल रही है, सही दिशा में जा रही है, इतना मैं कह सकता हूँ आज तो। जी 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 राजकुमार जी, एनी कमेंट्स बिफोर वी स्टार्ट वाइंडिंग अप, आपकी तरफ से कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, सही बेसिक चीजें तो सही है ना मैडम, वो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं अगर मनमोहन सिंह ने या नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं किया होता तो बातें नहीं बढ़ती। लिबरल वो तो सारी चीजें होती ही हैं, और इकोनॉमिक रियलिटीज या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इरिवर्सिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं मान रहा हूँ कि इन सब चीजों में मैं ये नहीं कर रहा हूँ 5 साल तक ठीक है समझ में आता, बहुत दिनों तक के लिए ये पॉलिटिकल। आज देखो ना, आज आपका क्रूड 95 चला गया लेकिन पेट्रोल और डीजल 1 रुपया नहीं बढ़ा है। तो ये कहना कि इकोनॉमिक रियलिटी फोर फ्रंट पे रहेगा, ये थोड़ा सा मैं डाउट करता हूँ इंडिया के खास करके कॉन्टेक्स्ट में, कि हम कितना भी आप इकोनॉमिक रियलिटी ले जाओ अभी फोरसीएबल फ्यूचर में पॉलिटिकल फैक्टर्स ही प्रीडोमिनेंट रहता है। आप अभी देखो ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है, 10 मार्च के बाद देखते हैं कैसा रहता है। पेट्रोल डीजल प्राइसेस आप देखो, प्योर पॉलिटिकल है, प्योर पॉलिटिकल, 100% पॉलिटिकल। कल के डेट में गवर्नमेंट आ जाए, आज आप सोच रहे हो कि हम इंफ्रा पे ये देंगे, हमको सप्लाई साइड को मैनेज करना है। कल का गवर्नमेंट आएगा वो बोलेगा हमको पॉपुलिस्ट होना है, हुआ है पहले भी कांग्रेस ने पॉपुलिस्ट चीजें करती थी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट था, तो आई प्रेफर टू पंप मनी डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन द सप्लाई साइड। तो इन सब चीजों में मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इन सब काफी गैप रहता है। तो क्या एक ही कहना है कि फुल फ्यूचर में सारी तो पता 20 ईयर्स डाउन द रोड क्या पता क्या होगा, वो मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं तो जस्ट कर रहा हूँ। जी 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 नहीं, आप भी सही कह रहे हैं। तो ये अच्छी चर्चा रही, कमलेश जी ने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और अच्छी चर्चा हुई हमारे बीच में। समय समाप्त हो रहा है, अगर कोई फाइनल कमेंट्स है आप दोनों की तरफ से, पहले कमलेश जी और फिर राजकुमार जी। कमलेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम योर साइड? टू सम अप द डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट टुडे, मैं इतना कह सकता हूँ सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए। गवर्नमेंट का फोकस जो है, एक डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर फोकस किया, नंबर टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट सिर्फ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, नंबर थ्री सपोर्ट टू द ईवी पॉलिसी फॉर स्वैपिंग ऑफ द बैटरीज इज ऑल्सो गुड इनिशिएटिव, देन इशूइंग अ ग्रीन बॉन्ड्स। और मैं ये नंबर्स तो शायद गवर्नमेंट दे सकती है कि 60 लाख नए जॉब क्रिएट हो गए, लेकिन मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये सारे चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जॉब तो क्रिएट हो गए हैं। और जिसे हम कहते हैं ना UNSDG, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के ये जो प्रोग्राम में दुनिया के बाकी देश जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, उस तरह से हम भी अब फॉलो करने की शुरुआत कर रहे हैं, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जी, थैंक यू राजकुमार जी, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। जी नहीं, फाइनल तो ऐसे देखिए, बातें जो भी है एकदम अच्छी सही है, उसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है, जैसे कि आप देखी होंगे मैडम कि हर बार, पिछले बार भी 25% कैपेक्स में इंक्रीज हुआ था, उसके पहले भी 25% कैपेक्स में इंक्रीज हुआ, इस बार भी करीब 33 या 34% कैपेक्स में इंक्रीज हुआ, जो इम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट माना जा रहा है कि इससे डायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा स्टेट के थ्रू और सेंटर के थ्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें रिजल्ट में आने दी, सप्लाई साइड को जो आप हैंडल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, क्रोनिक कैपिटलिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को एड्रेस करने में ह्यूजली फेल हुआ है, और ये कहीं ना कहीं, और एंड ऑफ द डे में कहीं ना कहीं, इफ योर बेनिफिट्स और योर एंडेवर डज नॉट परकुलेट टू द लास्ट पीपुल स्टैंडिंग इन द लाइन, पीपुल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, डजंट मेक सेंस आपके जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। कोविड का भी उसमें फैक्टर है, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पहले भी कोविड, आप देखो 2020 के 31 मार्च के बाद 26 मार्च को पहली बार 26 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020, लेकिन हम लोग का जीडीपी उस समय 3.4 आ चुका था, तो कोविड है रेस्पॉन्सिबल, लेकिन उसके पहले ही 3.4 ऑलरेडी जीडीपी आ चुका था, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है हम देख लेंगे 5 साल 10 साल 25 साल सब देखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आज भी तो दिखना चाहिए कुछ, वो आज दिखने के बजाय और सारे के सारे जो रियल चीजें हैं वो सब के सब नेगेटिव में है, तो ये चीज कंसर्निंग है, मैं ये बोल रहा हूँ दिस इज ऑफ ग्रेव कंसर्न, बस इतनी ही कहना पड़ा। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज के बारे में नहीं फ्यूचर के बारे में सोचा है, फ्यूचरिस्टिक है, तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आज क्या, आप भी सही कह रहे हैं। तो कमलेश जी, राजकुमार जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अगर हमें लिखना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हैं तो उसके लिए ईमेल है metromoney@metromumbailive.com metromoney@metromumbailive.com। अगर आपको निवेश रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई कंप्लेन है तो आप हमें लिख सकते हैं helpdesk@metromumbailive.com helpdesk@metromumbailive.com। तो ये था आज का कार्यक्रम, कल हम सुबह 10:30 बजे फिर से हाजिर होंगे खबरें और विश्लेषण के साथ और एक नई चर्चा के साथ, तो जरूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आज ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, सी यू टुमारो।